हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूं। आज मैं आप सबके लिए आलू से बनने वाली एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आया हूं। ये रेसिपी झटपट से मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। ये रेसिपी का नाम है चटपटा मसाला आलू। आप इसको ड्राई मसाला आलू भी बोल सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गोटा मसाला लिया है, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गोटा गोलकी और थोड़ा सा गोटा धनिया। अभी हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमने इसको कढ़ाई में डाल दिया। हमें इसको तेल में फ्राई नहीं करना है, ऐसे प्लेन ही फ्राई करना है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसको हम मिक्सी में अच्छी तरह से पाउडर बना के पीस लेंगे। ये फ्राई हो गया है, अभी हम इसको मिक्सी में डाल के इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको पीस के इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अभी हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और दो सूखा मिर्चा। इसको हम अच्छी तरह से हल्का फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये उबला हुआ आलू, इसको हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। अभी हम इसको इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। ये हमने इसको इसमें मिला दिया। इसको थोड़ी देर ऐसे मिलाने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। इन दोनों को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, इन दोनों को डाल के इसमें मिलाने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको भी थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें जो हमने गोटा मसाला को पीस के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको पूरा नहीं डालना है, 2 ही चम्मच डालना है। और डालने के बाद इसमें इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही मिलाने के बाद अभी हम फिर से इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसको इसमें डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसको फिर एक बार इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक को हम पूरा लास्ट में इसमें डालेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इसमें नींबू का रस डालने से ये खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। अभी हम इसको डालने के बाद इसको मिला लेंगे। और इसको मिलाने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, वो भी स्वाद अनुसार। और इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और अभी लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप इसमें हरा मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं इसमें नहीं डाला। और ये हमारा चटपटा आलू मसाला बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।